Hey guys, welcome back to Mr. Trendy Tyke. मैं लेके आ गया हूँ ये Redmi Note 13 Pro Plus, जो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया है। थोड़ा देर हो गई मुझे क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था अपने काम के सिलसिले से, तो अभी ये भी वीडियो बना रहा हूँ Pro Plus की। मेरे पास कलर्स भी जो है काफ़ी अच्छा, ये लेदर कलर है और एक और मेरे पास कलर है ये ब्लैक कलर। प्राइस इसकी बहुत ही शानदार आया, मुझे प्राइस बहुत अच्छे लगे क्योंकि इसके अंदर फीचर्स काफ़ी कमाल का है। 200 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, वाटर रेसिस्टेंस भी दिया है, अगर आप पानी में लेके जाते हो तो कोई भी मसला नहीं आएगा, तो बहुत ही कमाल का। आपको इसके अंदर अच्छा चिपसेट मिलेगा, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिला है, कर्व डिस्प्ले मिला है आपको, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे, प्राइस बताऊँगा, कलर्स बताऊँगा और तमाम स्पेसिफिकेशन बताऊँगा। चाइना से अगर बाय करना चाहते हो चाइना से कर लो, वरना ये इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़रूर और बहुत जल्द आ जाएगा। और इसके अलावा मैं फेसबुक पे जो है अपने पहली दफ़ा चाइना से प्रोडक्ट सेल करूंगा, जो कि एक LED बैग होंगे। पता मैं सिर्फ 10 पीसेस भेज रहा हूं, तो पहले आओ पहले पाओ वाला चीज़ है। अगर अच्छी लगती है तो मुझे वहां पे WhatsApp पे मैसेज कर देना, एंड आई विल रिप्लाई यू। तो हम इसकी वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। Redmi Note 13 Pro Plus काफ़ी टफ फ़ोन है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है फॉक्स लेदर टेक्सचर, जो कि डुअल टोन डिज़ाइन है इसके फ़ोन के पीछे। इसका ब्लैक कलर और वाइट कलर भी काफ़ी ही कमाल का है, जो है आपको प्रीमियम फील देगा। फ़ोन का फ्रेम रोबस्ट है, जो कि डेली यूज़ में अगर आप गिराते भी तो कोई भी मसला नहीं आएगा। इसके अंदर आपको एक सिम स्लॉट मिलेगी, जो कि आप दो सिमें लगा सकते हैं। हाई क्वालिटी स्पीकर मिलेगा, IR ब्लास्टर है, हर स्पेक्स में देखा जाए तो काफ़ी ही कमाल का है। और इसके अंदर आपको IP68 रेटिंग मिलेगी, जो कि डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस है। Redmi ने 56 डिफरेंट फ्लैगशिप ड्यूरेबिलिटी टेस्ट से गुजारा है और इसने सारे पास कर दिए हैं, मगर ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है ये कितनी देर तक आप पानी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैंने कुछ वीडियोस देखी जो चाइना के ब्लॉगर्स ने बनाई है, तो देखा जाए तो 10 मिनट से ज़्यादा भी ये पानी के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सर्वाइव कर लेगा पानी के अंदर इतने वक्त के लिए। Redmi Note 13 Pro के बॉक्स में हमें मिलता है पहले लेयर पे ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, और ये ब्लैक कलर का काफ़ी अच्छा सा ये प्रोटेक्शन केस है। इसके अलावा हमें Redmi Note 13 Pro मिलेगा इटसेल्फ, और इसके अलावा है ये 120 वाट का फास्ट चार्जर और Type-A to Type-C की डेटा केबल। सो लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद द डिस्प्ले। Redmi Note 13 Pro Plus का आपको ये कर्व्ड AMOLED 6.67 इंचेस मिलेगा, जो कि 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। जी हाँ, 1.5K का रेजोल्यूशन के साथ आता है, जो कि Redmi का सबसे पहला स्मार्टफोन है। और इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको मिल जाता है कॉर्निंग कोरा ग्लास फिक्सर, जो कि इसकी डिस्प्ले पे लगाया गया है। और अगर आप व्हाइट और ब्लैक कलर खरीदते हैं तो इसके बैक में भी आपको कॉर्निंग कोरा ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, स्क्रैच वगैरह नहीं लगेंगे। तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले काफ़ी फ्रेंडली मिल जाता है, क्योंकि अगर आपकी फिंगर्स वेट हैं या अगर आप शावर ले रहे हैं तो आपको इसका डिस्प्ले चलाने में कोई भी मसला नहीं आएगा। और अगर आपका ये डिस्प्ले टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो चाइना में जो है वो 450 RMB का इसका डिस्प्ले रिप्लेस हो सकता है बिल्कुल नया। 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 1800 की नेट स्पीड ब्राइटनेस है, ये सपोर्ट करता है HDR10 एंड डॉल्बी विजन, तो आपको ऐसी एक्सपीरियंस आएगा कि आपके हाथ में जो है ये एक मिनी सिनेमा है। लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। द Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर आती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आप एक दिन से ज्यादा इसे चला सकते हैं फुल चार्ज पे। इसके साथ आता है 120 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि आप 100% चार्ज कर सकते हैं 20 मिनट्स के अंदर, तो आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा इसकी चार्जिंग के लिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर आता है MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर, गेमिंग के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हैं या हाई ग्राफिक का कोई काम कर रहे हैं फोन के अंदर, तो कोई भी मसला नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर आता है 4000mm2 का VC कूलिंग लिक्विड सिस्टम, और अंततः स्कोर आया है 8 मिलियन का, जो कि इसके लॉन्च में बताया गया है। और इसके अंदर आपको गूगल प्ले कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाएगा, अगर आपको गूगल प्ले चलाना है तो आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है इसके अंदर, एंड वल्ला इसके अंदर आपको मिलती है LPDDR5 की RAM, UFS 3.1 स्टोरेज, एंड इट रन्स Android 13, MIUI 14 आता है आउट ऑफ द बॉक्स। जिसे फोटोग्राफी पसंद है फ़ोन से, तो ये Redmi Note 13 Pro Plus काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर मिलता है पावरफुल कैमरा सिस्टम, ट्रिपल रियर कैमरास आया है इसके अंदर, और जो कि इम्प्रेसिव चीज़ है वो है HB3 सेंसर है, जो कि सैमसंग का है, इसके मेन कैमरा में लगाया गया है 200 मेगापिक्सल का। और दूसरा मिल जाएगा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और तीसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो नॉट बैड, और इसके अंदर आपको फ्रंट में मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं इसके पोर्ट्रेट से,
काफी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। ग्रेट, तो इसकी कैमरा सेटिंग में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। पहला मिलता है डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन, जिसके अंदर आप जीरो, इसके अंदर भी काफी ज्यादा आप जूम कर सकते हो, 4x 10x तक ये जूम हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में भी। अगर आप दूर से कोई डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर वगैरह लेते हो तो आपको वो स्कैन करके दे देगा। दूसरा है 200 मेगापिक्सल का ये कैमरा, तो 2x 1x 2x इसके अलावा जो है आप इसे मज़ीद जूम कर नहीं सकते। तो अगर आप पिक्चर लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपको पिक्चर लेके दे देगा, ये एक सेकंड के अंदर ही। तो अगर इसे मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो देखो यार, थोड़ा लोड करेगा एंड देन ये देखो, वाओ काफ़ी कमाल का है 200 मेगापिक्सल। अगर वीडियो में जाते हो तो आपको ये 0.6x 1x 2x उसके अलावा जो है आप इसे ये 6x तक ये जूम कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको जो है ये 1080p 60fps 30fps मिलेगा, 4K 24 30fps मिलेगा, तो 720 में भी आपको 30fps मिलेगा, मगर 4K के अंदर जो है आपको 60fps नहीं मिलेगा। अगर मैं फ्रंट कैमरा देखता हूँ तो फ्रंट कैमरा में जो है आपको 1080p 30fps 60fps मिलेगा, 720 में 30fps और बस, इसके अंदर 4K नहीं है फ्रंट के अंदर। अगर आप फोटोज़ में जाएंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी, HDR आप टर्न ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो है 10x तक ये जूम कर सकता है। फ्रंट पिक्चर में जो है ऐसा नहीं करेगा, तो फ्रंट में ये जूम नहीं करेगा। पोर्ट्रेट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, काफ़ी कमाल का है राइट। इसके अलावा अगर आप बैक करते हो तो बैक जो है आपको कुछ देख रहे हो, ये आपके फेस को स्कैन करता है कि आप कहाँ भी जा रहे हो, वो अब फोकस रखेगा आपके फेस को। उसके अलावा ये नाइट का ऑप्शन है, 0.6 1x 2x है। फ्रंट में भी आप नाइट ले सकते हो। मोड में जाते हैं तो आपको प्रो मिलेगा, पैनोरामा मिलेगा, शॉर्ट फिल्म मिल सकता है। अगर प्रो की एक पिक्चर लेके दिखाऊं मैं आपको, तो इसमें आप कलर ग्रेडिंग्स आप ख़ुद अपने तरीके से कर सकते हो। अगर कोई पिक्चर लेते हैं, कितनी स्पीड से इसने पिक्चर ली है प्रो की, तो जूम करके दिखाते हैं तो ये इतना हो सकता है। अगर आपने 200 मेगापिक्सल का अगर देखा होगा तो 200 मेगापिक्सल जो है वहाँ तक जूम किया था इसने राइट। तो अगर मैंने पिक्चर ली है तो इतनी जल्दी पिक्चर इसने ले ली है, मगर ये थोड़ा सा लोड करेगा आपको उसको पिक्चर की क्वालिटी दिखाने के लिए। वाओ कितना दूर है यार, काफ़ी ही कमाल है, वेरी नाइस। तो अब इसकी हम सैम्पल्स में आपको दिखाता हूँ कि इसके सैम्पल्स कैसे हैं। ये मैं वीडियो फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ जो कि 1080p 30fps बन रही है, 4K इसके अंदर नहीं है, और 60 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। तो अभी जो मैं मॉल में हूँ, मॉल में लाइटिंग वगैरह देख सकते हो 60 मेगापिक्सल से कैसे आपकी वीडियो बन सकती है। तो अभी जो है मैं वॉक कर रहा हूँ, अगर मैं आपको रनिंग करके दिखाऊँ तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो अब ये मैं बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ 4K 30fps पे। अगर मैं इसे अल्ट्रा वाइड से स्टार्ट करता हूँ तो ये 4K नहीं बनाएगा, अल्ट्रा स्टार्ट जो होता है वो 1080p 30fps से होता है। तो मैंने ये 4K 30fps से वीडियो बना रहा हूँ, 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, अगर जूम करके दिखाऊँ, 2.5 4.8 और ये 6x तक ये जूम हो सकता है वीडियो बनाते वक्त राइट। जूम आउट की स्पीड कुछ ऐसी है, अगर फिंगर से करते हो बहुत स्पीड से होता है, फिंगर से करते हो तो फिंगर से आउट भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो ये बैक कैमरा से वीडियो बन रही है, अगर मैं ऐसे देखूं तो क्या रिजल्ट आ सकता है। व्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो इस फोन से राइट। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by, I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. मैं जानता हूँ कि आप लोग जानना चाहते हैं इसकी वेरिएंट, इसकी प्राइस, इसके कलर्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको तीन कलर्स मिल जाएंगे। ये ब्लैक मिलेगा, ये लेदर वाला कलर मिलेगा और एक वाइट मिलेगा। और तीन वेरिएंट्स मिलेंगी आपको। जो पहली बेसिक वेरिएंट है वो है 12 GB रैम, 256 GB का स्टोरेज मिलेगा, जिसकी कॉस्ट है 80,000 रुपये और चाइनीज़ है 2,000 RMB। और दूसरी है 12 GB रैम, 512 GB का स्टोरेज है, जिसकी कॉस्ट पड़ेगी 84,000 पाकिस्तानी रुपीस और 2,200 चाइनीज युआन। और तीसरा मिलेगा 16 GB रैम, 512, जिसकी कीमत होगी 92,000 पाकिस्तानी रुपीस और होता है चाइनीज 2,300 RMB। और दूसरी कंट्रीज में प्राइस आपको पता चल गए होंगे। तो चाहो तो चाइना से बाय कर लो या वेट करो। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। डिज़ाइन देखो यार, इसकी LCD का डिज़ाइन और ये बैक डिज़ाइन काफ़ी ही मज़ेदार है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अभी भी इसकी वीडियो बनाऊं Redmi Note 13 और 13 Pro की, तो बहुत सारे कमेंट्स करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन टर्न ऑन करो ताकि वीडियो ना रह जाए। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।